नमस्कार, घमासान डॉट कॉम में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन राठौर। इंदौर लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लेने के लिए विविध भारती से जुड़ी मशहूर उद्घोषिका ममता सिंह आज हमारे साथ हैं। उनका एक बेहद मशहूर प्रोग्राम है रेडियो सखी। जी हाँ, रेडियो सखी के माध्यम से ममता जी ने पूरे देश की महिलाओं को, युवा वर्ग को एक नया संदेश दिया है। ममता जी, रेडियो सखी को लेकर आप क्या सोचती हैं? उस कार्यक्रम का नाम है सखी सहेली, जो काफ़ी लोकप्रिय है, और मैंने अपना नाम गढ़ा है रेडियो सखी, रेडियो सखी ममता सिंह। तो सखी सहेली वो प्रोग्राम है जो देश के तमाम हिस्सों में जाता है, गांव खेड़ों में, छोटे शहरों में, और सखी सहेली से तमाम वो लड़कियां, तमाम महिलाएं अपने को जोड़ती हैं, और उनका ये कहना होता है कि इस प्रोग्राम से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी भी ये सोशल मीडिया के ज़माने में, तमाम टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी बोरे भर की चिट्ठियाँ आती हैं, और हर चिट्ठी में यही शिकायत होती है सखियों की कि मेरी चिट्ठी क्यों नहीं शामिल हुई। तो हमें ऐसा लगता है कि सखी सहेली एक बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है सखी सहेली करते हुए हर रोज़। संयोग से मैंने भी आपके कार्यक्रम सुने हैं, जिसमें कि बहुत सी बातों के बाद फिर आप पसंद का गीत भी सुनाते हैं, और ऐसे समय पे जबकि रेडियो के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं एफएम से लेके तमाम, ऐसे में सखी सहेली कार्यक्रम को इतना लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या आप प्रयास करते हैं? देखिए, सखी सहेली कार्यक्रम महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम है, तो इसमें हम एक तो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसमें पुरुषों के लिए नो एंट्री है, मतलब सुनने के लिए मना ही नहीं है, लेकिन पुरुषों की चिट्ठियां नहीं शामिल करते हैं, और न ही उनसे जुड़े हुए कार्यक्रम हम पेश करते हैं। तो सखियों के लिए, जहां पर एक ज़माना था जब महिलाएं चार दीवारी के भीतर कैद थीं, और अब उन्हें पंख मिला है उड़ने के लिए, उन्होंने दायरे तोड़े हैं और वो आगे बढ़ रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो सखी सहेली के माध्यम से अगर कोई एक लड़की, एक महिला हमारी बात से प्रेरणा पाती है, प्रेरित होती है, कुछ कर आगे बढ़ती है करने के लिए, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है, और सचमुच फिर लगता है कि हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। और पूरा टीम वर्क होता है सखी सहेली में, प्रोड्यूसर होते हैं और कई सखियाँ हैं जो उद्घोषक सखियाँ हैं, हम सब मिलजुल के ये कार्यक्रम पेश करते हैं, और इसलिए शायद और अच्छा बन पड़ता है। और इसमें ख़ास बात यह है कि सखी सहेली कार्यक्रम जो है, इसमें सखियों के ढेर सारे पत्र आते हैं, पत्रों को हम हमेशा जोड़ के रखते हैं, पत्रों को तवज्जो देते हैं, और दूसरी बात यह है कि इसमें जानकारियों का भरपूर भंडार होता है, सहजता और सरलता इसकी बहुत बड़ी खासियत है। आपने बताया कि चिट्ठियों को आप बेहद संभाल के रखते हैं और उनको महत्व भी देते हैं, तो ऐसे समय पे जबकि चिट्ठियाँ लिखना लगभग न के बराबर होता जा रहा है, ऐसे में आपके पास हजारों लाखों की संख्या में जो चिट्ठियाँ आ रही है, वो एक वाकई आश्चर्य की बात है। जी, हमें भी अचरज होता है, लेकिन उसमें कोई भी संदेह की बात नहीं है, शक शुभ की बात नहीं है। विविध भारती जब कभी पत्रकारों की टीम आती है तो तस्वीरें लेके जाती है, और सबको पता है, और चिट्ठियों के ज़रिए तो कई बार अब सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब हम भी सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारी भी तस्वीरें होती हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, तो चिट्ठियां पढ़ते हुए कई बार हमारी तस्वीरें भी होती हैं, तो वो यहाँ तक कि वो लिखती हैं कि हम इस फला फला गांव में रह रहे हैं और फला बहुत दूर तक हम चिट्ठी पोस्ट करने जा रहे हैं। तो चिट्ठियों में मेरा, मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी आज भी एक किसी ख़ास मौके पर जब एक ग्रीटिंग कार्ड सच के आता है और आपका नाम लिखा होता है, उसमें कुछ तस्वीरें टकी होती हैं, कुछ शब्द, कुछ भाव, तो वो जो छुअन होती है, उस छुअन में जो प्यार है, जो खुलूस है, मोहब्बत है, वो SMS और मोबाइल या फिर जो भी टेक्नोलॉजी की चीज़ें उसमें नहीं है। तो यही बात हो सकती है जो इतनी तादाद में चिट्ठियाँ आती हैं। भविष्य के लिए इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या योजनाएं हैं सखी सहेली की? जी जी, देखिए, सखी सहेली के लिए कार्यक्रम, सखी सहेली कार्यक्रम के लिए योजना बनाना तो हमारा काम नहीं है, वो हमारे जो बहुत हायर ऑफिसर्स होते हैं, हमारे डायरेक्टर होते हैं, उन्होंने प्लान किया था ये कार्यक्रम, और हमने चूँकि अपनी आवाज़ के ज़रिए
और अपनी तमाम कोशिशों के जरिए इस पौधे को रोपा है, अंकुरित किया है, पुष्पित पल्लवित होते हुए हमें बड़ा अच्छा लगता है देखकर। जैसे एक अपना बच्चा बड़ा होता है तो देख के खुशी होती है, इसी तरह से सखी सहेली कार्यक्रम को जब हम समृद्ध होते देखते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। बहुत बहुत